नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चल के देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 15,800 के ऊपर चले तो आप वहां पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 15,880। या दोस्तों, 15,880 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर ये एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद दोबारा से 15,880 के लेवल को ब्रेक करे तो आप दोबारा से बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में निफ्टी काफी तेजी से ऊपर की ओर जाएगी और उस केस में आपका टारगेट जो है वो 16,000 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 15,720 के लेवल को क्रॉस करेगा नीचे की ओर, तो आप वहां पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,680, सेकंड टारगेट दोस्तों हो जाएगा 15,600। तो 15,600 पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 15,600 पे निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले सकता है। दोस्तों, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन हो, दोस्तों गैप अप कहाँ पे ओपन होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये गैप अप 15,880 के ऊपर होता है और यहाँ पे कोई 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 15,880 के ऊपर होती है, तो आप यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 16,000 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद कोई 5 मिनट की कैंडल जो है वो 15,880 के नीचे क्लोज हो, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है हो जाएगा फर्स्ट टारगेट 15,800, सेकंड टारगेट जो है दोस्तों हो जाएगा 15,735। तो 15,735 में निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर कल निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो, तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये 15,640 के बाद गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे कोई भी 15 मिनट की कैंडल जो है बुलिश कैंडल बने, तो आप वहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा 15,735, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 15,840। लेकिन दोस्तों, 15,640 के पास गैप डाउन ओपन हो तो आप इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिएगा, एक प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। और अगर ये प्राइस एक्शन बनने के बाद लगभग हाफ एन आवर ट्रेड करे और उसके बाद ब्रेक हो 15,640 का लेवल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में निफ्टी काफी तेजी से नीचे की ओर जाएगी, तो उस केस में आपका टारगेट जो है 15,500 तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन होने के बाद कोई 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 33,480 के ऊपर की होती है, तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 33,560, सेकंड टारगेट हो जाएगा 33,640। तो 33,640 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का लेवल है, तो अगर आपने कोई भी बाय का ट्रेड लिया हुआ है तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद कोई 5 मिनट की जो कैंडल की क्लोजिंग है 33,280 के नीचे की क्लोजिंग है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है हो जाएगा 33,160, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 33,040। तो दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये 33,560 के बाद गैप अप ओपन होता है और कोई 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 33,560 के ऊपर की होती है, तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है हो जाएगा 33,640। तो दोस्तों, 33,640 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का लेवल है, तो एक बार आप अपनी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दीजिएगा और प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर ये दोबारा से लगभग हाफ एन आवर ट्रेड करने के बाद ब्रेक हो 33,640 का लेवल, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 33,800 तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर 33,560 के पास गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी और कोई भी 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 33,520 के नीचे की होती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है 33,360 तक हो सकता है। दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन होता है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये 33,200 के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो आप इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। और कोई 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश कैंडल बने, तो आप उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो है हो जाएगा 33,360, सेकंड टारगेट जो है दोस्तों हो जाएगा 33,480। लेकिन दोस्तों, 33,200 के पास बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और कोई भी 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 33,320 के नीचे की होती है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है हो जाएगा 33,040, सेकंड टारगेट जो है हो जाएगा 32,900। तो दोस्तों, ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल कल के ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और अच्छी खासी प्रॉफिट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो रिलीज हो तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी लर्निंग बढ़ाइए और हमारे साथ ट्रेड कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।